With Doubtnut, get instant video solutions to all your maths, physics, chemistry, and biology doubts. Just click the image of the question, crop the question, and get instant video solution. Download Doubtnut app today. हेलो दोस्तों, प्रश्न है यदि x की घात y बराबर है y की घात x के, जहां x और y बराबर नहीं है, का हल है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे हम लिख लेंगे, दिया हुआ है x की घात y बराबर है y की घात x के, जहां दोस्तों x बराबर नहीं है y के। ठीक है, अब दोस्तों हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों पक्षों में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, यहाँ पे दोस्तों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा लॉग x की घात y, यह बराबर होगा लॉग y की घात x के। और जैसा कि दोस्तों हम एक गुणधर्म जानते हैं जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं लॉग m की घात n, यह बराबर होता है n गुने लॉग m के बराबर। तो दोस्तों इस गुणधर्म की मदद से हम इसे लिख सकते हैं y गुना लॉग x, और यह बराबर होगा, इसे भी हम लिख सकते हैं x गुना लॉग y के बराबर। इसे आगे दोस्तों हम लिख लेंगे, y को हम इस तरफ x में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बटा y बराबर होगा, यहाँ पे दोस्तों लॉग x में हम log y का भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log x बटा log y। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x बटा y का मान, ठीक है, x बटा y का मान हम मान लेंगे a के बराबर। और चूंकि दोस्तों x बराबर नहीं है y के, तो हम कह सकते हैं कि log x और log y आपस में बराबर नहीं होंगे, तो दोस्तों इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मान 1 के बराबर नहीं होगा। अब आगे दोस्तों यहाँ से हम लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा log x बटा log y, देख सकते हैं यह बराबर है x बटा y के, और देख सकते हैं x बटा y को हमने a के बराबर माना है, तो यहाँ से आ जाएगा a। इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं log x का मान हमारे पास आ जाएगा a गुना log y के बराबर। और यहाँ पे दोस्तों इसे हम इस गुणधर्म की मदद से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यह a इसकी घात में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा log y की घात a के बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों log x बराबर है log y की घात a के, तो हम कह सकते हैं कि x का मान बराबर होगा y की घात a के। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, देख सकते हैं x बट्टा y बराबर था a के, तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं x बराबर आ जाएगा a गुना y के बराबर। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं a गुना y, यह बराबर होगा, देख सकते हैं x का मान हम y की घात a से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा y की घात a के बराबर। और यहाँ से दोस्तों जब हम a का मान निकालेंगे, तो यह आ जाएगा y की घात a बट्टा y, जिसे हम लिख सकते हैं y की घात a माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं जब हम y का मान निकालेंगे, तो देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा a की घात 1 बट्टा a माइनस 1। और यहाँ पे दोस्तों जब हम दोनों पक्षों में a का गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a गुना y बराबर, देख सकते हैं इसमें भी a का गुना हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे a की घात 1 बट्टा a माइनस 1, और इसमें जुड़ जाएगा 1। आगे दोस्तों इसे हम सरल करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a गुना y बराबर, देख सकते हैं a की घात, इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा a बट्टा a माइनस 1। और दोस्तों यहाँ पे a y किसके बराबर था, x के, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे x के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास y का मान आया है a की घात 1 बट्टा a माइनस 1 के बराबर, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास x का मान आया है, यहाँ पे लिख लेंगे x का मान आया है a की घात a बट्टा a माइनस 1। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं a का मान 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a का मान जब 1 के बराबर होगा, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार a का मान दोस्तों शून्य के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों a का मान यदि शून्य होगा, तो y का मान अनंत आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे a का मान न तो शून्य होगा और न ही 1। जब दोस्तों हम a का मान 2 के बराबर लेंगे, तो देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा x का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 2 बटा 2 माइनस 1। इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की घात, यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा 2 माइनस 1, 1 के बराबर, तो दोस्तों 2 की घात 2, यह आ जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान हमारे पास आ गया 4। और दोस्तों यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा y बराबर, 1 के जगह पे 2 रख लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 की घात 1 बटा 2 माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटा 1 के बराबर, तो दोस्तों 2 की घात 1, यह आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ गया 2, तो देख सकते हैं x का मान 4 तथा y का मान 2 के बराबर आ गया। जब हम विकल्प में देखेंगे, तो विकल्प 2 में दिया हुआ है x बराबर 4 और y बराबर 2, तो विकल्प 2 सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। For class 6 to 12, ITJ and NEET level, trusted by more than 5 crore students. Download Doubtnut app today.